एक्सीलेशन दोगे, ये देखो पे एक गियर में कितना जाता है दिखा देता हूँ। तो MT-15 से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाएगा। 70 की स्पीड में है, जाता हूँ पहले, ये देखो 70 की स्पीड में मैं अभी हूँ, ये देखो ब्रेकिंग। मतलब ABS जो है, ABS बहुत ही कमाल का काम करता है, बहुत ही कमाल का काम करता है। वाइब्रेशन देखता हूँ मतलब इस बाइक का कैसा है, एंड पावर चेक करते हैं। एक्सीलेशन देने के बाद एक बार साउंड सुनाओ, वो देखो, देखा साउंड, चार गियर में बाइक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोग देख रहे हो विंस लेफ्ट साइड व्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, आज करने वाला हूँ पल्सर N160 का जो न्यू वर्जन आया है, E20 का मॉडल। आप लोग देख सकते हो ये E20 मॉडल है, एंड ये 2023 का जो मॉडल है वो, तो इसका आज हम जो है राइड रिव्यू करने वाला हूँ। तो आज बात करेंगे कुछ क्यों लेना चाहिए। 160cc में तो बहुत सारा बाइक है, मतलब आप लोग NS160 है, Apache 160 है, बहुत सारा बाइक है, एंड होंडा के भी आता है, हीरो का भी आता है। तो क्यों ये बाइक लेना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, एंड क्या क्या इस बाइक में अच्छा चीज़ है वो भी आज बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो बाइक का लुक्स देख सकते हो कि कितना सुंदर एक लुक्स है इस बाइक का, स्पेशली जो इसका हेडलैम्प है, आप लोग देख सकते हो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, एंड इस सेगमेंट में जो भी बाइक आता है सबसे पावरफुल हेडलैम्प के साथ ये बाइक आता है, एंड उसके साथ दो DRL है, एंड DRL का जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है। तो इस बाइक का एक बार आप लोग ओवरऑल लुक्स जो है वो एक बार देख लो साइड से भी कि कैसा लग रहा है, एंड पीछे से भी एक बार देख लो कैसा लग रहा है लुक्स, एक बार इधर से भी एक बार देख लो। तो इस बाइक में तो आप लोग अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, ये देख सकते हो अंडरबेली एग्जॉस्ट। तो आप लोगों को एक बार एग्जॉस्ट का जो नोट है वो एक बार मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सो गाइस, सुन सकते हो कि ये नॉर्मल साउंड है, तो ये तो अंडरबेली एग्जॉस्ट है। एक्सीलेशन दोगे, ये देखो, तो इसका कुछ ऐसा साउंड है, एंड मैं एक ऑफिस एरिया में हूँ, मतलब कॉलेज है इधर पे, तो इसी कारण के लिए उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट मैं दे, मतलब उतना ज़्यादा एक्सीलेशन मैं दे नहीं सकता हूँ, तो इसी कारण के लिए। तो चलो फिलहाल अभी जो राइड रिव्यू है वो चालू करते हैं, एंड आप लोगों को कुछ अच्छा अच्छा चीज़ बताते हैं इस बाइक के बारे में। सो गाइस, अभी तो फिलहाल इस बाइक को राइड कर रहा हूँ, तो एक बार मैं आप लोगों को एक गियर में कितना जाता है दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल 32 है, 36 थर्ड गियर में है, अभी थर्ड गियर में 70 ऐसा 70-80 ऐसा कुछ जाएगा, उससे भी ज़्यादा शायद से जा सकता है, लेकिन मैं भगाने नहीं वाला उतना ज़्यादा, क्योंकि ये न्यू बाइक है एंड मेरा भी नहीं है, तो इसी कारण के लिए उतना ज़्यादा भगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज़ मैंने किया, एंड इस बाइक का जो इनिशियल टॉर्क जो है, मतलब पावर जो है इनिशियल, बहुत ही कमाल का इनिशियल पावर है, बहुत ही कमाल का। आप लोग देख सकते हो कि मैं जब पिकअप दिया गियर डाउन करके, तब कितना अच्छा तरीके से, मतलब जो पिकअप है वो ले लिया था, मतलब इनिशियल पिकअप बहुत ही कमाल का है इस बाइक का। एंड पावर एंड BHP तो आप लोगों को शायद से पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। इस बाइक के ऊपर बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, एंड रिव्यू वीडियो जो है, डिटेल रिव्यू वीडियो, वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है अपलोडेड, वो भी जाके आप लोग देख सकते हो। सबसे मुझे इस बाइक का जो अच्छा लगता है, ये जो मतलब क्लच है, ये स्लीपर क्लच आप लोगों को देता है, एंड स्लीपर क्लच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जब आप लोग क्लच मतलब प्रेस करके गियर शिफ्टिंग करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, एंड जो गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है इस बाइक का। तो ये मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है, एंड काना एंड क्या बोलता है, इस बाइक का जो मतलब नाइट का जो हेडलाइट का थ्रो है वो पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया कि कितना अच्छा है। एंड अभी तो फिलहाल सब लोग ये बाइक क्यों ख़रीद रहा है, क्योंकि ये कम बजट में बहुत ही अच्छा फीचर्स के साथ ये बाइक आ रहा है अभी। एंड अगर आप लोग मतलब ये जो लुक्स है, ये अगर लुक्स लेना चाहो तो दो बाइक ही है, एक है MT-15 एंड एक है N160। तो N160 जो है, N160 में आप लोगों को जो प्राइस का है, प्राइस का जो मतलब प्राइस जो है इस बाइक का, बहुत ही कम है इस बाइक का प्राइस, मतलब MT-15 से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तभी, तो MT-15 से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को USD सस्पेंसर जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंसर मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशली इस बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलता है, जब शायद से लॉन्च हुआ था, दो बाइक लॉन्च हुआ था, मतलब एक सिंगल चैनल ABS एंड एक डुअल चैनल ABS के साथ, दोनों वेरियंट शायद से आया था, वो ठीक से मुझे पता नहीं,
एंड इस बाइक का आप लोगों को जो माइलेज जो अप्रोक्स आप लोगों को जो मिलेगा वो आप लोगों को 45 to 50 आप लोगों को आराम से दे देगा ये बाइक। अगर आप लोग अच्छे तरीके से RPM मेंटेन करके राइड करोगे तभी आप लोगों को अच्छा खासा माइलेज जो है वो मिलेगा इस बाइक में। अगर आप लोग लो गियर में हाई स्पीड में भगाओगे तभी आप लोगों को कोई भी बाइक जो है वो माइलेज नहीं देगा अच्छा खासा, ये एक चीज़ है। तो RPM मेंटेन करके चलो तभी आप लोगों का जो बाइक का माइलेज है वो आप लोगों को कमाल का माइलेज देगा, कमाल का, मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ। एंड मीटर में जो दिखाता है माइलेज उसको विश्वास मत करो, वो फेक दिखाता है, मतलब जो डिजिटल मीटर रहता है ना उसमें ग्लिच रहता ही रहता है। तो अभी आते हैं इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो उस पर। तो इस बाइक का अभी मेरे इधर पर ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,60,000। तो 1,60,000 में मुझे लगता है ये बाइक ही लेना चाहिए NS 160 को छोड़ के, क्योंकि NS 160 जो है उसका जो प्राइस है इससे ज़्यादा महंगा है। तो जब ये बाइक लेने के लिए गया था हम लोग तो तब क्या हुआ था, हम लोगों को NS 160 भी दिखाया था लेकिन हम लोग ने NS 160 नहीं लिया था क्योंकि NS 160 का जो प्राइस है वो है 1,74,000 एंड इसका प्राइस है 1,60,000। तो बहुत कम है इसका प्राइस एंड इसमें फीचर्स भी ज़्यादा मिलता है, उसमें सिर्फ EHD मिलता है, उसी कारण के लिए उसका प्राइस जो है इतना ज़्यादा है। तो वो लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा तो ये बाइक लो, इसमें आप लोगों को LED प्रोजेक्टर लैंप भी मिलेगा, उसके साथ बहुत सारा फीचर्स भी मिलेगा एंड आप लोगों को इधर पर USB का जो स्विच है, मतलब USB से आप लोग फ़ोन भी जो है वो चार्ज कर सकते हो। तो इस बाइक में आप लोगों को बहुत सारा फीचर्स भी मिलता है एंड ब्रेकिंग एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पीछे देख लेता हूँ कार है या फिर नहीं है। तो एक बार आप लोगों को ब्रेकिंग दिखा देता हूँ, 70 की स्पीड में है, जाता हूँ पहले, ये देखो 70 की स्पीड में मैं अभी हूँ, ये देखो ब्रेकिंग, मतलब ABS जो है ABS बहुत ही कमाल का काम करता है, बहुत ही कमाल का काम करता है क्योंकि ये ग्रीमिका का ब्रेक है एंड आप लोगों ने देखा मैंने फुल ब्रेक प्रेस कर दिया था, एक भी टायर जो है स्किट नहीं हुआ, ये चीज़ सबसे अच्छा चीज़ है। डुअल चैनल ABS है तो इसमें तो आप लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने सिर्फ फ्रंट का जो ब्रेक है वो सिर्फ प्रेस किया था, दोनों ब्रेक तो प्रेस नहीं किया था। तो आप लोगों को जो इसका ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग तो बहुत ही कमाल मिलने वाला है। वाइब्रेशन देखता हूँ मतलब इस बाइक का कैसा है एंड पावर चेक करते हैं। ओ भाई साहब, पावर तो कमाल का पावर है इस बाइक का, ये मुझे लगता है 160cc में मुझे इस बाइक का पावर जो है बहुत ही पसंद है एंड इस बाइक पे वाइब्रेशन जो है ज़ीरो बोल सकते हो, एकदम ही ज़ीरो है, देखो ना। एंड एग्जॉस्ट का साउंड आप लोगों को शायद से सुनाई दे रहा है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे। तो बहुत ही मतलब बूमी एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो लगता है इस बाइक का, बहुत ही कमाल है इसका एग्जॉस्ट का नोट एंड स्पेशली ब्रेक आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया कि इसका ब्रेक कैसा है। तो ब्रेकिंग जो है वो भी अच्छा है एंड इसका साउंड जो है बाइक का, आप लोगों को जब हेलमेट पहन के जब आप लोग राइड करोगे तब आप लोगों को फील होगा इसका एग्जॉस्ट का नोट, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। NS में भी ऐसा नहीं है मुझे जो लगता है, मेरे बाइक में तो नहीं है क्योंकि मेरा पुराना वाला मॉडल है, मेरे बाइक में तो नहीं है एंड मैं न्यू को भी चला चुका हूँ, उसमें भी ऐसा एग्जॉस्ट नोट नहीं है एंड वाइब्रेशन जो है वो ज़ीरो है, NS से भी बहुत ज़्यादा कम है इसका वाइब्रेशन। एंड इस बाइक का मतलब ये तो नेकेड बाइक है, नेकेड बाइक में सब लोग, मैंने जो रिव्यू देखा उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि इसका जो पोस्चर है थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसका जो पोस्चर जो है वो एग्रेसिव है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका पोस्चर, NS के जैसा ही लगता है इसका पोस्चर। तो आप लोगों को तो पावर तो मैंने टेस्ट करवा दिया कि कैसा है, एक बार देखता हूँ कितना चलता है, वो देखो भाई एक्सीलरेशन देने के बाद एक बार साउंड सुनाओ, वो देखो देखा साउंड, चार गियर में बाइक 110 लिमिटर आ गया, लिमिटर नहीं RPM लाइट आ गया, ये अभी 5 गियर में गया, स्लो कर लेता हूँ सामने ट्रैफिक है। इसके हैंडलिंग बहुत ही कमाल का हैंडलिंग है, बहुत ही कमाल का हैंडलिंग है, बहुत ही कमाल का इसके हैंडलिंग। ओ भाई साहब साउंड बहुत ज़्यादा गूंज रहा है साउंड, तो पता नहीं क्वालिटी कैसा आ रहा है, मैं एक बार हेडलाइट को ऑन कर लेता हूँ, अगर आप लोग हेडलाइट ऑन करोगे तभी आप लोगों का जो मीटर का लाइट है वो जलेगा, ये चीज़ मुझे पता नहीं था, अभी फिलहाल पता चला। तो इसका देखो एक बार, पता नहीं आप लोग हेडलाइट का पावर देख पा रहे हो या फिर नहीं,
क्योंकि अभी तो उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। मैं फ़िलहाल अभी इस रोड से चला जाऊँगा घर पे, मतलब हाईवे से चला जाऊँगा मेरे घर के साइड पे। मैंने तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर भी वीडियो बनाया, तो वो एक बार आप लोग चेक कर लेना इस बाइक में क्या क्या एडवांटेज एंड जो डिसएडवांटेज है वो है। लेकिन मुझे जो मतलब एग्जॉस्ट का बूमी साउंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस बाइक का। मतलब 7 से 6000 RPM के बाद जो साउंड निकल रहा है इस बाइक से, बहुत ही कमाल का साउंड निकल रहा है। एंड हेलमेट पहन के रखा हो उसी कारण के लिए साउंड तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लोग राइड करो तो हेलमेट पहन के ही राइड करो, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। स्टाइल तो मर सकते हो। सब लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनता है, क्योंकि हेयर ख़राब हो जाएगा। तो हेयर तो ख़राब हो जाएगा, हेयर तो आप लोग ठीक कर सकते हो। अगर बिना हेलमेट के गिरोगे तो आपका जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखो ब्रेकिंग कितना पिकअप था, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कितना पिकअप में मैंने ब्रेकिंग किया। मैंने मीटर में ध्यान नहीं दिया था कि कितना स्पीड था। एंड फिलहाल तो पिलियन के साथ चल रहा हो, फिर भी इसका ब्रेकिंग बहुत ही कमाल का है। एंड इसका जो पिकअप जो मतलब पकड़ रहा है ना 6000 RPM के बाद, बहुत ही कमाल का। जैसे कि MT-15 में आप लोगों का क्या बोलते हैं VBA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होता है 7000 RPM के बाद, इसमें वही वैसा ही सीन लग रहा है। जब 6000 RPM जब क्रॉस हो रहा है तो इस बाइक का एग्रेसिव जो मूड है वो एक्टिव हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो गाइस, ये जो राइड वीडियो है मतलब राइड रिव्यू वीडियो है, ये आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड इस बाइक के ऊपर क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग माइलेज टेस्ट का वीडियो देखना चाहते हो। एंड उसके बाद भी और कोई भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। माइलेज टेस्ट का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।